जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षु क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके दो पार्ट पहले हो चुके हैं। यह पार्ट नंबर 3 है। जिसको दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज का पूरा ज्ञान लेना है तो वो इससे पहले 2 क्लास लेकर आए, उसके बाद यहाँ देखिए। अब आगे देखिए, दो सीरीज थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ए से लेके जेड तक, जेड से लेके ए तक, ये दोनों सीरीज हमने खत्म कर दी। लेकिन दोस्तों, इस वाली सीरीज में 3 या 4 टाइप क्वेश्चन बचे हैं, अभी उन्हें अभी हम करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दायां और बायां तो आपको भूलना नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट मैं बता चुका हूं। जैसे कि लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट, जो आपका दायां वो उसका दायां, जो आपका बायां वो उसका बायां। दायां मतलब शुद्ध हाथ, दाल खाने वाला हाथ दायां होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो पहले टाइप पर आधारित होंगे, ए से लेके जेड वाले पर। जहां भी आपसे बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला, हमेशा दोस्तों याद रखो, अंग्रेजी वर्णमाला आ जाए तो उसका मतलब होता है ए से लेके जेड तक, जो आपकी सूदी सूदी अल्फाबेट होते हैं वो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6 के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं, बाएं से 6 के दाएं, बाएं से 6 के दाएं 4 के, 4 के बाएं, 4 के बाएं तीसरा होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे जी? अब आप कहोगे सर इसमें तो फंसा दिया हमें, कैसे? हमने तो अभी तक केवल 2 टाइप के ही किए हैं, ये तो हमने किया ही नहीं। 2 कहा जाए कि फिर यहां पर कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 होगा, अभी निकाल के दे देंगे हम। लेकिन ये तो 4-4 का है, कैसे करेंगे? देखिए घबरा का नहीं है जब तक मैं हूं आपके साथ। देखिए हम शुरुआत करेंगे, यहां क्या लिखा हुआ है? बाएं लिखा हुआ है, जब यहां बाएं लिखा हुआ है तो बाएं का हम यहां लिख लेंगे एल, अर्थात बाएं। कोई दिक्कत? जो यहां लिखा होगा उसे हम शुरू में लिख लेंगे। कितना है? 6। आगे चलिए, बाएं से 6 के दाएं, ये है बाएं, ये है दाएं। ये बताइए दोनों सेम हैं या अलग हैं? ये दोनों सेम हैं या अलग हैं? ये दोनों तो अलग हैं। अलग आने का क्या लगता है चिन्ह? प्लस का, यहां ले जाएगा प्लस 4। इससे आगे अब हमें क्या करना है? इससे आगे हमें करना है जो हमने बीच में कर दिया उसे कर लीजिए स्किप, उसे हटा दो। सोचो ये है ही नहीं, क्या सोच रहे हैं? दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के बाएं तीसरा होगा, ये तो हमने स्किप कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बाएं से, बाएं से, ये वाला दोस्तों ये दोनों सेम हैं या अलग? आप कहोगे ये दोनों सेम हैं। जब ये दोनों सेम हैं तो सेम आने पर क्या लगता है? सेम आने पर लगेगा माइनस। क्या लगता है सेम आने पर? माइनस। यहां लगा दो माइनस, कितना है? 3। हल करो इसे, 6 और 4 10, 10 में से 3 याद है, कितना बचा? 7। 7 अर्थात जी 7।
ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में जी? सेवन समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा उससे देना। अभी इसी आधारित पर 2 या 3 क्वेश्चन में लिख के लाया हूँ सीट पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मुझे पता है आपको जहां परेशानी होगी वो होगी दाएं और बाएं में। दाएं और बाएं में आपको बता चुका हूं पहले, दाएं से और बाएं से, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होती है बहुत, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। जहां आ जाए बाएं से, बाएं से का मतलब होता है ए से शुरू करनी है जेड तक ले जानी है, बाएं से आ जाए ए से शुरू करके जेड तक। जहां आ जाए दाएं से, दाएं से का अर्थ होता है जेड से शुरू करना है ए तक ले जाना है, मतलब उल्टा, जेड से शुरू करके ए तक लाओ, ए से शुरू करके जेड तक ले जाओ, ये है बाएं से, ये है दाएं से, बस। और तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छह के दाएं लिए, लिख लेते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से छह के दाएं, बाएं से छह के दाएं, छह के दाएं पांचवे के दाएं, दाएं पांचवे के दाएं, पांचवे के दाएं, चौथे के बाएं, चौथे के बाएं, चौथे के बाएं तीसरा होगा, तीसरा होगा। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छह के दाएं, पांच के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा होगा। अभी तक तो दोस्तों हमने 3 वाला किया था, ये तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 और भी बता दूं, 4 से जितना भी बड़ा है, 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी आ जाए सभी कैसे होंगे जो बताने वाला हूं, जो पहले बता चुका हूं उसी के आधार पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, शुरुआत कहां से हो रही है, कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं अर्थात लेफ्ट, बाएं से, ठीक है, किधर 6, बाएं से 6 में के दाएं। अब ये देखिए, ये दोनों सेम हैं या अलग, ये बताओ मुझे पहले, ये दोनों सेम हैं, जब ये दोनों सेम हैं तो क्या आएगा, सॉरी दोस्तों, ये दोनों अलग हैं, बाएं हैं ये दाएं हैं, तो जब ये दोनों अलग हैं तो क्या आएगा, प्लस, दोनों सेम हैं तो क्या आएगा, प्लस, प्लस का कितना है, आगे देखिए दोस्तों, ये हमने कर लिया ना, हाइपर, इसे कर दो स्किप, आगे पढ़ो, कौन सा अक्षर बाएं से छह के दाएं चौथा। अब ये बताइए, ये दोनों सेम है या अलग, ये दोनों भी अलग, अलग के लिए क्या आएगा, प्लस, प्लस कितना 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इन दोनों को करेंगे अब स्किप, और उन दोनों से कोई मतलब है ही नहीं। अब आगे बढ़ो दोबारा, कौन सा अक्षर बाएं से छह के बाएं तीसरा होगा, ये क्या है बाएं, ये क्या है बाएं, दोनों क्या है सेम, जब दोनों सेम हैं तो क्या हुआ माइनस, यहां लगा दो माइनस, कौन सा है तीसरा, यहां 3। अब देखिए दोस्तों कैसे हल कर दो, कैसे करेंगे, 6 और 3, 6 और 4, 10, 6 और 4, 10, 10 और 5, 15,
पंद्रह से तीन गया तो कितना बचा? बारह। बारह कहां से? बारह लेफ्ट से। बारह लेफ्ट से बारह क्या होता है? लेफ्ट से बारह एल ट्वेल्व क्या होता है? एल ट्वेल्व इसका हो गया एल। कुछ परेशानी दोस्तों? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। ठीक है दोस्तों, जितना भी करना होगा अगर स्किप या आगे और होते तो इसे भी स्किप कर लेते, और जब तीन स्किप हो जाते उससे आगे एक और हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए क्वेश्चन नंबर चार पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से छह और बाएं से बीस? सॉरी दोस्तों, एक और करा देते हैं इसी के बीच का। ठीक है दोस्तों, वो हम छोड़े हैं लेकिन यहां करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीस वाला, अभी थोड़ी तो हुए भी तीसरा। देखिए कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर दाएं से दसवें? मुझे पता था आप लोगों की ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सर बाएं वाला तो करा दिया, दाएं वाला भी तो कराओ। ये दाएं वाला देख लो एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से दसवें, दाएं से दसवें, दाएं से दसवें के दाएं, दाएं से दसवें के दाएं, दाएं से दसवें के दाएं छवें के बाएं, दाएं छवें के बाएं, छवें के बाएं चौथा हुआ, चौथा हुआ। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, कौन सा अक्षर दाएं से, कहां से शुरू हो रहा है? दाएं, दाएं का मतलब राइट, राइट। तो राइट का क्या हो गया? अब देखिए राइट से दस, आगे चलो दाएं दसवें के दाएं, यहां क्या आ रहा है? दाएं। यहां क्या है? दाएं। दोनों क्या है? सेम। जब दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस। सेम होने पर माइनस, अलग होने पर प्लस। इसे हमेशा याद रखो, सेम होने पर माइनस, अलग होने पर प्लस। तो दस का माइनस छह हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ो। कौन सा अक्षर दाएं से दसवें के, इसे कर दो स्किप, बाएं चौथा होगा। और देखिए दाएं, ये क्या है? बाएं, दाएं और बाएं दोनों क्या है? अलग अलग। जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या आएगा? प्लस। जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या आएगा? प्लस। प्लस कितना? फोर। और देखिए दस और चार चौदह, दस और चार चौदह, दस और चार कितना हो गया? चौदह। चौदह में से छह गया तो कितना बचा? चौदह में से छह गया तो कितना बचा? चौदह में से छह गया तो बचा आपका आठ। मेरे बहुत से प्यारे दोस्तों ने इसका आंसर एच दे दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एच गलत है। गलत क्यों है? ये देखिए, ये है राइट से, भाई राइट का मतलब है जेड से आठवा। अगर हम जेड से चलेंगे तब जाके यहां आठवा आएगा, कोई वो अक्षर है तो है। इसे हम निकालेंगे कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे?
लेफ्ट से निकालने के लिए करेंगे 27 से माइनस कितना 8, 27 से 8 गया तो कितना बचा, 27 से 8 गया तो कितना बचा 19, कितना बचा 19। और 19 का आपको पता है क्या है, 20 20 के थ्रू 30 से पहले ठीक है ना, वाह 30 से पहले क्या आता है s 19 s क्या हो गया s 19 19 s आया वो समझ में, ठीक है दोस्तों हमारा इधर टाइम भी पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट लेवल, ठीक है दोस्तों यहां तक कोई परेशानी किसी को कोई नहीं, बढ़िया। केवल जो हमारा होता चले पहले को तो पकड़ के रखे हो, जो बीच में होता चले उसे स्किप करते चलो, केवल इतना फॉलो करना है, जो हमारा होता चले उसे स्किप करते चलो हटाते चलो, ठीक है दोस्तों। प्लस माइनस का चिन्ह लगाते चलो, प्लस माइनस का चिन्ह लगाते चलो। अब देखिए अंग्रेजी बटवारा में कौन सा अक्षर, ये एक नया क्वेश्चन है, नया टाइप है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20 वेग के ठीक बीच में, बाएं से 6 और बाएं से 20 वे 20 वे के ठीक बीच में होगा। अब देखिए दोस्तों ये कैसे करोगे, ये एकदम नया टाइप है बिल्कुल हटके, ये भी कराना तो जरूरी है ना। अब पेपर में आ गया ये तो क्या करोगे, कैसे करोगे ये देखिए हम बताएंगे आपको। बाएं से 6 बाएं से 6 क्या होता है, बाएं से 6 की जो टी ई एफ क्या होता है एफ, बाएं से 20 बाएं से 20 क्या होता है 20 की जो टी टी 20 क्या होता है 20 टी। अब पूछा है एफ और टी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, निकालिए कैसे निकालेंगे ये देखिए। एफ के बाद दो तरीका है इसके, मैं दोनों बताऊंगा आपको, पहले एक समझ लो ठीक है। देखिए एफ, एफ के बाद ई एफ जी एच आई जे के L M N O P Q R S T हो गया ना, जहां से जहां तक पूछा है उन सभी की A B C D लिख लो या नंबरों के अक्षर लिख लो। जैसे 6 और 20 के बीच में पूछा है ना, देखिए देखो 6 और 20 के बीच में इनके अक्षर लिख लो, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19, 20 तो है। फिर दोस्तों अब देखो क्या करना है, काटते चलो पीछे और आगे से, काटते चलो काटते चलो, एन से कटेगा एन, बचा क्या एम, क्या बचा एम, ये हो गया आंसर। सेम यहां भी काटते चलो पीछे से आगे की ओर, काटते चलो क्या बचा,
यहाँ बचा 13 नंबर 13। 13 क्या होता है? मैंने बताया था जहां भी तीन आ जाए, तीन से पहले एक है तो M, तीन के बाद पहले दो है तो W, इसमें क्या है तीन से पहले एक, तो क्या हुआ M, ये इसका आंसर हो गया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, सारा सिंपल तो है, केवल जितना पूछा है उस दोनों लिख लो, उनके बीच में जो भी अल्फाबेट आते हैं उन्हें काट के चलो आगे और पीछे से, जो बीच में बचेगा वही आंसर हो जाएगा। नंबर वन टाइप टू कैसे करेंगे देखिए, इसका एक और तरीका है करने का, ये तो आपको आ गया होगा, और एक और तरीका देख लो कैसे करेंगे। ये देखिए वो है एवरेज औसत, ये तो आपको आता ही होगा ना, कितना है बाएं से 6, कितना है बाएं से 20, कितना हो गया दोनों का 2, कितनी संख्या है 2, मतलब 20 और 6 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13, 13 मतलब लेफ्ट से 13 मतलब M, ये हो गया आंसर। जिनको औसत नहीं आता उनके लिए मैं बताऊं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं जैसे मान लो 8 9 12 15 20, इन सभी का एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो इन सभी का योग, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों, अपॉन जितनी संख्याएं हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 उसका डिवाइड, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का योग, जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या से भाग, ठीक है मेरे दोस्तों, आ गया समझ में? आ गया ना एवरेज समझ में? उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, समय लगेगा, आपको जल्दी करना है तो एवरेज वाला फॉलो करो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप के, ठीक है देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से चौथे और दाएं से और दाएं से और दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा, दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा, करिए कैसे करोगे साहब? कैसे करोगे? सारा सिंपल फॉर्मूला तरीका है दो, लेकिन हम करेंगे इसे एवरेज वाले से, एक तरीका तो है आप कर ही लेंगे उससे तो, ठीक है दोस्तों। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, मतलब राइट से चौथा, और दाएं से 16वें, मतलब राइट से 16वें के ठीक बीच में होगा, 16 और 4 कितना हो गया, छोड़ो पूरे करके दिखाते नहीं फिर हो गए क्या हो गया, 16 प्लस 4 कितनी संख्या है 2, मतलब 10, मतलब 10,
सरासर गलत है। अब आप कहोगे गलत कैसे है, तो मैं बता देते हैं, ये है हमारा कहां से, राइट से। अब हमें किससे लेना है, लेफ्ट से। जब भी पोजीशन चेंज करेंगे, जब भी पोजीशन चेंज करेंगे 27 से माइनस करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये आगे चल के बहुत जरूरी पड़ेगी। जब भी पोजीशन चेंज करेंगे 27 से माइनस करेंगे, ठीक है। राइट से करना है, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 27 माइनस 10 इक्वल टू 17 अर्थात क्यू। क्या हो गया आंसर, क्यू। आ गया समझ में, पोजीशन चेंज करने के लिए 27 से हम माइनस करेंगे तब ही हमारा आंसर आएगा, नहीं तो लेफ्ट राइट से 10 गिन लो पीछे से जेड से, आपका क्यू हो जाएगा और उसे कर लो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, पेपर क्वेश्चन कराते हैं आपको, ये दोस्तों देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, और बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे, और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में होगा, कैसे करोगे। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में हुआ, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। मेरे बहुत से साथियों ने इसका एवरेज लाके खरीद लिया होगा, लेकिन इसका एवरेज तो आपका आया ही नहीं, कैसे लाओगे। देखो लेफ्ट से चौथे, राइट से पांचवे, क्या कहते हैं बहुत से, 5 + 4 / 2, 5 और 4 9, 9 में 2 से भाग जाए ही ना, इसका मतलब ये तो आंसर क्वेश्चन नहीं, गलत दे दिया आपने, कैसे करें ऐसे हम, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से पढ़ो, यहाँ है बाएं, यहाँ है दाएं, यहाँ है लेफ्ट, यहाँ है राइट, आपके पास दो चीजें हैं, या तो इसे राइट में बदल लो या इसे लेफ्ट में बदल लो। कुल मिला के हम एवरेज तभी ही लेके आएंगे जब ये दोनों पोजीशन हमारी सेम हो, या तो ये दाया हो ये भी दाया हो, या ये बाया हो तो ये भी बाया हो, दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए तभी हम इसमें एवरेज लेके आ सकते हैं। आया आपको समझ में, आ गया। देखिए अब हम इसको लेफ्ट बना लेते हैं, क्या करेंगे 27 से माइनस 5 कितना बचा 20। अब देखो क्या हो गया, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 20, 22 और 4 कितना हो गया, 22 और 4 26, 26 में 2 से दीजिए कितना आया 13 अर्थात m, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। मेरे काफी साथी कह रहे होंगे कि इसे ही क्यों बाया बनाया, इसे भी तो दाया बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो, करो इसे बाया बना के बताया हमने, अब इसे बना लो दाया, मतलब इसे राइट बना लो, वो तो राइट है ही,
राइट डिग्री क्या करेंगे हम 27 से माइनस, 27 माइनस 4, 27 से 4 गया तो कितना बचा बताइए, 27 में से 4 गया तो बचा 23, वो कितना है 5, राइट से 23, राइट से 23, राइट से 5, एड इन करो 23 प्लस 5 अपॉन 2 28, 23 और 5 28 अपॉन 2 कितना हो गया 14, 14 कहां से आया ये, ये 14 आया राइट से, हमें निकालना है लेफ्ट से, लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे 27 माइनस 14 अर्थात 13 आ गया क्या m, जब m ही आना है तो उसे बायां बना लो, जल्दी आसान हो जाएगा, ऐसे बायां क्यों बना रहे हो, पहले इसे दायां बनाने में 27 से माइनस करो फिर आंसर आ जाए, फिर उसे फिर 27 से माइनस करो बायां बनाने के लिए, इससे अच्छा तो है ऐसे ही बायां बना लो तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूँ, इंक कम हो गई है। क्या चल रहा है अब आपके दिमाग में चल रहा है कि भैया मेरे मुझे ये बताओ कि कोई कोई ऐसा भी आ जाएगा जिसका एवरेज जाएगा ही नहीं तो उसको कैसे करेंगे, ये भी बात हो ठीक है, कोई कोई तो ऐसा भी होगा ना जिसका एवरेज जाएगा ही नहीं उसे कैसे करेंगे, जैसे आ गया 14 और 5 19, 19 का एवरेज नहीं जाएगा कैसे करोगे ऐसे, अब उसके लिए भी देखो कर आपने क्वेश्चन लेके आए वो भी हम, ठीक है हमको बताया आपको डाउट कहाँ कहाँ आ सकता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर, चलो शुरू से फिर आप कहोगे क्या कर दिया, कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा, बताइए दोस्तों आ गया ना भाई आपको कंफ्यूज करने वाला, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं के 19वें के ठीक बीच में होगा, निकालिए एवरेज क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाएं से चौथे बाएं से 19वें, कैसे करोगे 19 प्लस 4 अपॉन 2 कितना हो गया 1904 23 अपॉन 2, अब आप कहोगे 23 में तो जा ही नहीं रहा तो कब आ गए, अब क्या करें करना कुछ नहीं है, 2 से भाग दे दो पूरा पूरा कितना जाएगा 2, 11 बार गया ना 11, 11 तो नहीं 22, 11.5 कितना ही तो जाएगा 11.5, अब इसमें हमें क्या करना है 0.5 माइनस कर दो 0.5 प्लस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 11, प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 12, दोनों को लिख दो 11 के 12 एल, ये हो गया आपका आंसर के और एल, आपको फिर ऐसे थोड़ी होता है पागल बना रहे हो, सिद्ध करेंगे देखो उसे, ये हुई ना बात, अब दिखाते हैं आपको मैंने प्रूव कर दिया ये K और L कैसे आए, देखो एवरेज का तो आपको समझ में आ गया ना, जितना भी आ रहा हो पॉइंट में
पॉइंट पांच माइनस कर दो, पॉइंट पांच प्लस कर दो। पॉइंट पांच माइनस करने के बाद ग्यारह, पॉइंट पांच प्लस करने के बाद बारह। ग्यारह मतलब के, बारह मतलब एल। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे ऐसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं भाई साहब, बाएं से लेफ्ट से फोर और लेफ्ट से नाइन। एबीसीडी लिख लो या वो लिख लो, हम एबीसीडी लिख लेते हैं। फोर का मतलब डी, नाइनटीन का मतलब उन्नीस, ए सर दोस्तों उन्नीस ए सर। देखिए डी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, वही विधि जो पहले करते हुए आए, पहला पकड़ो आखिरी पकड़ो, फिर पकड़ो फिर आखिरी पकड़ो, फिर पकड़ो फिर आखिरी, फिर पकड़ो फिर आखिरी, फिर पकड़ो फिर आखिरी, फिर पकड़ो फिर क्या बचा के और एल। ये तो बचा रहा बीच में के और एल, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका प्रूफ। कोई परेशानी, एवरेज से कर लो या ऐसे कर लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 एक नई सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो नई सीरीज है। अब आपकी सीरीज देखो ए से लेके जेड तक पूरी खत्म, जितने भी टाइप आते हैं, जितने भी सवाल आते हैं सब खत्म। आप पूरे सवाल लगा जैसे लेके ए तक, ये भी सीरीज पूरी खत्म, कोई दिक्कत नमस्कार। अब इसके बाद एक नई सीरीज आती है बी से लेके जेड तक, मतलब इवन सीरीज अर्थात सम सीरीज। ये हो गई आपकी सम सीरीज। इसे कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो हम आपको दिखाते हैं। दो सीरीज हमारी हो चुकी हैं, तीसरी वो हम भी कर लेंगे, तीसरी और चौथी सीरीज ये हमारे कर लेंगे। चौथी सीरीज क्या होती है, ए से शुरू करते हैं वाई पर खत्म, ये होती है आपकी ऑड सीरीज मतलब विषम सीरीज। ठीक है दोस्तों।